एएम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रुयन्ता प्रवाचिका ऋजा झा आदव मुख्य वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पूर्वाण्ये एकादशवादने स्वये मनकी बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे देशवासीभिः साकम विचार विनिमयम् करिष्यति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्य विद्युत मंत्रालय प्रमुख पुनर्विकसितेत्र योजनाया शुभारंभ कृतान गृहमंत्री अमित शाह राज्ये मादक पदार व्यापार सर्वा संबद्ध संस्था ऐक्य कार्य सामचरत आह्वान कर देशे कोरोना महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम् अतः भवन्तः प्रार्थयन्ते यत् कोविड सूच्य औषधं अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु अनवधानतां नैव आचरन्तु सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु मुखनासिका वरकम् धारयन्तु दहिक दूरतां पालयन्तु पाणि पादम् च यथा समयं प्रक्षालयन्तु समवधानतापि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष पूर्वाणे एकादशवादने सुये मनकी बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे देशवासीभिः साकम विचार विनिमयम् करिष्यति मनकी बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं एक नवतीतमं संस्करणं भविता अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाणीयाः दूरदर्शनस्य च सर्ववाधिभिः वाहिनिभिः प्रसारितं अपि च आकाशवाण्या वेबफलक डब्ल्यू 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 डॉट न्यूज ऑन एआईआर इत्यत्रापि द्रष्ट् शक्यत अयं कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शनं प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण मन्त्रालय इत्येतृषां यू ट्यूब वाहिनीष् अपि द्रष्ट् प्रधानमंत्रि संबोधनान अन्क्षण अय मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषास्वी श्रोतुम् शक्यते क्षेत्रीय भाषास् अस्य पुनः प्रसारणं अष्टवादनेवित अष्टवादने भविता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्य विद्युत मंत्रालय प्रमुख प्रमुख पुनर्विक क्षेत्र योजनाया शुभारंभ कृतवान श्री कार्यक्रमावधौ दृश्य श्रव्य इति अंतर्जा मध्यम उज्ज्वल भारतम, उज्ज्वल भविष्य पावर एट विंशति सप्तचत्वारिंशत् इत्यस्य योजनाया उद्घाटनं कृतम् षड्दिवसीय अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं स्वतन्त्रताया अमृत महोत्सवस्य भागत्वेन विद्युत् क्षेत्रे विगतेष् अष्टवर्षेष् विहित परिवर्तनानि प्रदर्शयित् कृतमासीत् यस्य समापनं ह्य अभवत् अस्योद्देश्यं प्रशासनस्य विभिन्न विद्युत संबद्धो पक्रमेषु योजनासु कार्यक्रमेषु च जागरुकता उत्पादनमस्ति कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री द्विशतादिक पञ्च सहस्र कोटी रूप्या रूप्यकाधिका नाम राष्ट्रीय विद्युत निगम इत्यस्य विभिन्न परियोजनानां लोकार्पणम च कृतवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह चंडीगढ़े मादक द्रव्य पदार्थ नाम व्यापारम राष्ट्रीय सुरक्षा में आलक्ष्य राष्ट्रीय सम्मेलनम संबोधितवान् यत्र राज्ये मादक मादका पदार्थ नाम व्यापारम समाप्ति तुम सर्वा हा संबद्ध संस्था ऐक्यभावेन ऐक्य भावीना आह्वानं समाचारे कृतवान अस्मिन् सम्मेलने हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब चेति राज्याणां मुख्यमन्त्रिण चण्डीगढस्य प्रशासक सीमा सुरक्षा बलस्य अधिकारिण राष्ट्रियान्वेषण संस्थानमित्येतानि समेत्य अन्ये प्रमुखा अपि भागं गृहीतवन्त कृषि कृषक कल्याण मन्त्रिणा नरेन्द्र सिंह तोमरेण उक्तं यत् पौष्टिकान्नं पुनरपि अस्माकं स्थालिकायां भूयात् तेनोक् यधानमिण मोदीन नेतृत्व संयुक्त राष्ट्रुतर द्वि द्विसहस्रतम वर्ष अन्तरराष्ट्रीय धान्य वर्षत्वेन घोषित येनांतरगतम् मंत्री समूहा पोषक धान्य प्रचाराय परामृषा नरेन्द्र सिंह तोमर उक्तवान्यत् केंद्र प्रशासन स्थानीय स्तरे राज्य राष्ट्रीय अनेकेश कार्यक्रमा योजना निर्मिता नरेन्द्र सिंह तोमर ह्य दिल्ल्या धान्य खाद्य इति गांव